फिरोजाबाद के थाना उत्तर पुलिस और नगर निगम टीम ने सर्विस रोड पर चल रहे अवैध वाहन स्टैंड पर कार्यवाही की। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक वाहनों के चलान कटे और सीज किए गए। बुधवार की दोपहर थाना उत्तर क्षेत्र के प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब थाना उत्तर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम टीम ने सर्विस रोड पर अवैध पार्किंग पर कार्यवाही का चाबुक चलाया। पुलिस ने इस दौरान करीब 2 दर्जन दो पहिया और 4 पहिया वाहन एम्बुलेंस वाहनों के चलान कटे और सीज किए गए। बताया जाता है पिछले काफी समय से सर्विस रोड अवैध वाहन पार्किंग चल रही थी, जिसकी वजह जाम की स्थिति से 2-4 होना पड़ रहा था। इसे अभी बताया है पुलिस और नगर निगम का अभियान लगातार जारी रहेगा। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है ट्रॉमा सेंटर के सामने या सुभाष तराई से लेकर के आगे तक स्टेशन रोड तक जो टैक्सी वाले या जो बीमार आते हैं ये लोग अपनी जो पार्किंग की व्यवस्था जो कर रखी है उस जगह ये पार्किंग नहीं करते हैं, जिससे लोगों का जो है असुविधा होती है आने जाने की। इसकी लगातार शिकायतें मिलती रही थी, समय समय पर हम हटाते रहे, चेतावनी देने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे थे, तो अंत में हमको इनके वाहन जब्त करने की कार्रवाई टेस आपके अंडर में करनी। देखा गया कि समय समय पे अभियान चलाकर बंद कर दिया जाता है, इससे कि लोग दोबारा फिर उसी दरार पर आ जाते हैं जाम की स्थिति में। लेकिन अभी आपने खुद देखा होगा पहले का अभियान और अभी के अभियान में बहुत फर्क है। अभी का TI साहब है, इस मामले में सख्त है, शासन की तरफ से भी निर्देश है कि अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र रखा जाना चाहिए, जो आमजन है उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए।